के लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ए और बी तो ए की वैल्यू यहां पर देखिए एक्स लेस देन प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स लेस देन टेन वाले प्राइम नंबर्स होंगे टू थ्री फाइव सेवन ये प्राइम नंबर्स है और उसी तरह बी इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ सिक्स सिक्स कौन से कौन से टेबल में आएगा लिखना वन टू थ्री सिक्स ये फैक्टर्स आएगा अब ये फाइंड हुआ फर्स्ट बिट आप ले सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी ए की वैल्यू टू थ्री फाइव सेवन इंटरसेक्शन है यहां पर इंटरसेक्शन लिखना है बी की वैल्यू वन टू थ्री सिक्स अब यहां पर इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे टू कॉमन है थ्री कॉमन है ये इसका आंसर हो जाएगा टू कॉमन थ्री नेक्स्ट सेकेंड बिट है ए यूनियन बी ए की वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा टू थ्री फाइव सेवन यूनियन बी की वैल्यू लिखना पड़ेगा वन टू थ्री सिक्स यूनियन का मतलब क्या है ये दोनों को मिक्सअप करके सीरियल वाइज लिख देना वन टू थ्री फोर नहीं है फाइव है सिक्स है सेवन ये इसका आंसर एट मार्क्स के क्वेश्चन है देखिए इस बार थर्ड बिट आपके पास है ए माइनस बी ए की वैल्यू दोबारा लिखिए टू थ्री फाइव सेवन माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे वन टू थ्री सिक्स दोनों में जो कॉमन है उसको क्या कैंसिल करेंगे टू और टू थ्री थ्री फर्स्ट ब्रैकेट में जो बच रहा है वही लिखना पड़ेगा आपको फाइव कॉमन सेवन इस तरह आप इसको कंप्लीट कर सकते हो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई नाइन हंड्रेड और 500 के बीच वाले इंटीजर्स फाइंड आउट करना है जो 9 से डिवाइड होंगे तो इसको हम लिखेंगे बी वाला बिट अच्छी तरह समझिए बी वाला बीट तो क्या लिखेंगे हम लोग बिटवीन 100 एंड 500 और डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई अब 9 से डिवाइड होने वाले अब देखिए सपोज वन नॉट एट लेंगे कैसा पता चलेगा वन नाट एट को आप नाइन से डिवाइड करेंगे नाइन वन जा नाइन वन एटीन नाइन टू जा जटीन डिवाइड जीरो आ रहा तो ये वन नाट एट अब यहाँ से आसान है वन नाट एट में नाइन मिलाइए वन सेवेंटीन नाइन मिलाइए वन ट्वेंटी सिक्स इस तरह लास्ट में हम ले सकते हैं फोर नाइन्टी फाइव ले सकते हैं ये डिवाइड होगा यहाँ पर आप देखेंगे तो नाइन से डिवाइड होगा नाइन से नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव इस तरह डिवाइड होगा अब यहाँ पर आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू वन नॉट एट डी इज इक्वल टू आपको पता है नाइन ए टू माइनस सेवन आप करेंगे तो नाइन ये जो नंबर है ये नंबर को आप ए एन दे, दे देंगे ए एन इज इक्वल टू फोर नाइन्टी फाइव दो क्वेश्चन हैं इसके अंदर देखिए सम भी फाइंड आउट करना है उसके बाद एन भी फाइंड आउट करना है इसके अंदर तो इसलिए पहले आपको एन फाइंड आउट करना जरूरी है एन फाइंड आउट अगर करेंगे तो आपको एस एन बी फाउंड आउट करते एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए फार्मूला। आप सब कीजिए ए आपके पास है लिखेंगे फोर नाइनटी फाइव अभी आप लिख सकते हैं एन माइनस वन इंटू नाइन इज इक्वल टू फोर नाइनटी फाइव इस तरफ ला लीजिए माइनस वन नॉट एट एन माइनस वन इंटू नाइन इज इक्वल टू ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो बच जाएगा 387. हंड्रेड एन माइनस वन इज इक्वल टू 387 बाय 9. 9 वन जा नाइन नाइन फोर जा थर्टी सिक्स नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन एन माइनस वन इज इक्वल टू फोर्टी थ्री एन इज इक्वल टू फोर्टी थ्री इस तरफ ला लीजिए प्लस वन एन इज इक्वल टू ये फोर्टी फोर आ गया फोर्टी फोर सम आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं सम को फार्मूला शॉर्ट ले सकते हैं एस एन इज इकल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल दे सकते हैं आप क्योंकि एल ये ए एन जो होगा ये एल भी होगा एल इज इकल टू फोर नाइन्टी फाइव भी आप लिख सकते हैं तो यहाँ पर तो इसलिए आप यहाँ पर सब करेंगे एस एन हमको आ गया फोर्टी फोर एन बाई टू फोर्टी फोर बाई टू इंटू ए आपको पता ही अभी हम करें वन नाट एट प्लस फोर नाइन्टी फाइव एल फोर नाइन्टी फाइव टू हंड्रेड टू ट्वेंटी टू ई ट्वेंटी टू एन टू ये दोनों को ऐड करेंगे सिक्स नॉट थ्री ट्वेंटी टू को सिक्स नॉट थ्री से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा वन थ्री टू सिक्स सिक्स इस तरह ये आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं फिफ्टीन क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है इफ ए नंबर वेन इंक्रीज बाई ट एक नंबर है जिसके अंदर ट्वेल्व इंक्रीज हम कर रहे हैं ट्वेल्व को इंक्रीज इक्वल टू वन सिक्सटी टाइम्स किसके बराबर होगा वन सिक्सटी टाइम के बराबर होगा उसका रिसिप्रोकल करना है फाइंड द नंबर वो नंबर कौन सा होगा फाइंड आउट करना है बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखिए फिफ्टीन में सपोज ए वाला बिट ले लेंगे हम तो यहाँ पर ले लेंगे लेट द नंबर नंबर हमको पता नहीं है तो लेट द नंबर इज क्या ले लेंगे हम एक्स ले लेंगे एक नंबर हम लोग एक्स ले लेंगे उसके बाद यहां पर गिवन है हमको इस नंबर में हम क्या इंक्रीज करना है ट्वेल्व तो गिवन दैट एक्स प्लस ले लेंगे हम ट्वेल्व क्वेश्चन के अंदर दे रखा है यहां पर देखिए इंक्रीज ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व और एक्स प्लस ट्वेल्व किसके बराबर हो गए x प्लस ट्वेल्व के बराबर होगा सिक्सटी uh, एक्स प्लस ट्वेल्व वन सिक्सटी और इट्स रिसिप्रोव एक्स का रिसिप्रो होगा वन बाई एक्स इस तरह आपको लेना है एक्स का 60, 160 के बराबर लेना है वन बाई एक्स अब क्या होगा ये एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू देखिए रीडर में नहीं मिलेंगे आंसर्स आपको ये वन सिक्सटी बाई नीचे हो जाएगा एक्स यहाँ पर वन डालेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू वन हंड्रेड सिक्सटी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व इंटू एक्स एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड सिक्सटी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स इसको अंदर की तरफ ला लीजिए माइनस वन सिक्सटी इज एक टू जीरो फैक्टर्स निकालेंगे वन सिक्सटी के वन सिक्सटी एक्स स्क्वायर इसके फैक्टर्स क्या होंगे आप ले सकते हैं ट्वेंटी एट जन सिक्सटी हो जाएगा और प्लस ट्वेल्व है तो प्लस लेंगे इसको माइनस ले लेंगे तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर ए प्लस ट्वेंटी एक्स माइनस एट एक्स माइनस वन सिक्सटी इज एकल टू ज़ीरो ले सकते हैं ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा एक्स कॉमन लेंगे एक्स प्लस ट्वेंटी एज इट इज ब्रैकेट देगा एक्स प्लस ट्वेंटी यहाँ से माइनस एट इज इक्वल टू जीरो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए एक्स प्लस ट्वेंटी यहाँ से ले लेंगे एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी एक हो जाएगा एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू प्लस एट ये हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर या माइनस ट्वेंटी होगा या एट होगा इस तरह आप सॉल्व करना है इसको चलिए ये तो रिड्यूस है देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एनिवल में कंपलसरी पूछेगा इस टाइप वाले क्वेश्चन अच्छी तरह आपको याद करके जाना है बहुत आसान है देखिए सिक्सटीन में ए वाला बिट क्या करना है इसको इरेशनल आपको प्रूफ करना है तो यहां पर आप ले लेंगे रूट टू प्लस रूट एलेवन इसको सपोज क्या करेंगे पहले इज रेशनल नंबर समझना है बाद में इसको हम क्या करेंगे इ रेशनल करेंगे रेशनल नंबर बाद मेंजमशम रॉन्ग है बताएंगे तो क्या हो जाएगा देन रूट टू प्लस रूट एलेवन इज इक्वल टू पी बाई क्यू हो जाएगा ये क्यू नॉट इक्वल टू जीरो अब यहां पर आप लिख सकते हैं रूट टू प्लस रूट एलेवन इज इक्वल टू पी बाई क्यू यहां पर आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइट क्या हो जाएगा रूट टू प्लस रूट एलेवन होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर पी बाई क्यू होल स्क्वायर ये ए प्लस बी होल स्क्वायर में है आप ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लेंगे प्लस टू ए बी ले लेंगे इस तरह भी आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर रूट टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अलेवन स्क्वायर प्लस टू ए बी मीन्स रूट टू रूट एलेवन इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर सेपरेट कर देंगे स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे टू प्लस एलेवन प्लस टू रूट एलेवन टू टू द ट्वेंटी टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर ये दोनों को ऐड करेंगे थर्टीन प्लस टू रूट एलेवन इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर ये यहाँ पर वैसे रखेंगे टू रूट एलेवन इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इसको इस तरफ ला लीजिए माइनस थर्टीन यहां पर वन डालेंगे टू रूट एलेवन इज इक्वल टू एल्शियम क्यू स्क्वायर वन इंटू पी स्क्वायर पी स्क्वायर थर्टीन इंटू क्यू स्क्वायर थर्टीन क्यू स्क्वायर अभी रूट एलेवन इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस थर्टीन क्यू स्क्वायर ये इस तरह आएगा वन बाई टू हो जाएगा तो टू क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं अब देखिए ये फॉर्म है पी बाई क्यू का फॉर्म है ये फॉर्म है पी वाई क्यू का फॉर्म नहीं है ये लेफ्ट हैंड साइड नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू राइट हैंड साइड नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू तो इसलिए आप लिख सकते हैं रूट एलेवन ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते पी स्क्वायर माइनस थर्टीन क्यू स्क्वायर बाई टू क्यू स्क्वायर ये लिख दिए तो इसलिए देन आवर अजम्पशन इज रोंग लिखकर रूट टू प्लस रूट एलेवन इसल नंबर आपको लिखना है इस तरह आप सॉल्व करना है चलिए नेक्स्ट देखिए ये सारे क्वेश्चंस 18 के मैं पूरे एक एक करके पूरे कराऊंगा आपको पूरे 18 के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन सारे करा दूंगा एक एक करके पूरे करा रहा हूं मैं आपको यहां पर आप नेक्स्ट देखिए शो दट द पॉइंट ए माइनस वन माइनस टू फोर थ्री और टू फाइव डी माइनस थ्री ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल के ऑर्डर में आपको प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल क्या होगा देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सपोज सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में बी वाला है इस तरह ले लेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम ए तो और बी सी डी ये ईवन है तो यहाँ से आप ले लीजिए ए माइनस वन का माइनस टू इसको लिखेंगे फोर का थ्री और ये लिखेंगे टू का फाइव डी लिखेंगे माइनस थ्री का हाँ जीरो और रेक्ट एंगल कब ईच अदर या अपोजिट रहेंगे ये लेंगे हम लोग इसको बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं मिड पॉइंट के फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो तो यहां पर लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू तो बी डी इसका फॉर्मूला लेंगे मिड पॉइंट इज इक्वल टू तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू y1 वन प्लस वाई टू बाई टू ये फार्मूले से आप सॉल्व करेंगे अगर आप ए सी कर रहे तो x1 y1 वाई वन एक्स टू वाई टू ये सब शूट करना है अब सब शूट कीजिए यहां पे ए सी इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू बाई टू माइनस टू प्लस फाइव बाई टू ये दोनों को माइनस करेंगे वन बाई टू ये दोनों को माइनस करेंगे थ्री बाई टू एक हो गया अब सेम आंसर बी सी का भी आना चाहिए बी सी सॉरी बी डी बी डी जब कर रहे हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू फोर माइनस थ्री बाई टू थ्री माइनस जीरो बाई टू ये दोनों को माइनस कीजिए वन बाई टू ये दोनों को माइनस कीजिए थ्री बाई टू बराबर है देर फोर ए सी इज इक्वल टू बी डी ये हो गया अब ये दोनों बराबर होने के बाद अब कंप्लीट नहीं हो पाई अब इसको आप क्या करना है रेक्टेंगल प्रूफ करना है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल रहते हैं तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये पहले ए बी ए सी और बी सी यहाँ पर लिखेंगे ये दोनों बराबर आना है ए सी यहाँ पर ले लेंगे ए कितना है यहाँ पे माइनस वन माइनस टू और सी है टू फाइव यहां पर देखना इसके हिसाब से भी डिस्टेंस बिटवीन से करें भी तो आपको ए सी और बी डी दोनों बराबर आना है तो इसलिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू लेना है आपको अब यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर ये फार्मूला आपका हो जाएगा अब इसको सब कीजिए अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन टू माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री स्क्वायर सॉरी प्लस वन स्क्वायर टू माइनस टू माइनस प्लस वन स्क्वायर प्लस वाई टू फाइव माइनस टू माइनस प्लस टू स्क्वायर यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो थ्री स्क्वायर यहाँ पर ऐड करेंगे तो सेवन स्क्वायर ये हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन सेवन सेवन फोर्टी नाइन ये दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा फिफ्टी थ्री एक आ जाए फिफ्टी एट फिफ्टी एट आ गया अब नेक्स्ट आपको करना है बी डी बी है फोर कामत थ्री डी है माइनस थ्री का मा जीरो आपको लेना है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन हो स्क्वायर माइनस थ्री माइनस फोर स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर जीरो माइनस थ्री स्क्वायर ये दोनों को ऐड करेंगे माइनस सेवन स्क्वायर ये दोनों को माइनस करेंगे थ्री स्क्वायर माइनस वन माइनस प्लस सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन थ्री थ्री जो नाइन ये दोनों को ऐड कीजिए फिफ्टी एट करेक्ट है दोनों भी यहां पर बराबर आ गए तो देर फोर यहां पर लिखना है डायगनल्स आर इक्वल सो गिवन पॉइंट्स आर रेक्टेंगल इस तरह आपको लिखना है नेक्स्ट सेवेंटीन में देखिए ग्राफ करना है ये तो आपको पता है ग्राफ एक रफली बताऊंगा आपको पहले ग्राफ में बॉक्स सही उतारना है ये पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू मैं इजी मेथड से आपको बताऊंगा ग्राफ चाहे कोई भी हो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो सबसे पहले आपको एक्स लेना है उसके बाद एक्स स्क्वायर लेना है उसके बाद एक्स लेना है उसके बाद माइनस टू लेना है इस तरह आपको लेना है अब आपको पता ही है यहाँ पे ज़ीरो वर्ड टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस तरह आप ले लेंगे इस तरह एक बॉक्स बन जाएगा लास्ट में वाई ये जीरो वन फोर थ्री थ्री जो नाइन वन वन जो वन टू जो फोर थ्री थ्री जो नाइन हो जाएगा एक्स है ये भी एक्स है। एज इट इज रखना है वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये भी एज इट इज आ जाएंगे ये माइनस टू है एज इट इज रखना है माइनस टू ये पूर्व में माइनस टू माइनस टू माइनस टू अब यहाँ पर आपको क्या करना है ये वैल्यू को छोड़ के ये लोगों को कैलकुलेट करना है ये दोनों को माइनस टू हो जाएगा कि वन वन टू टू माइनस टू जीरो फोर टू सिक्स सिक्स माइनस टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस टू प्लस टू सिक्स माइनस टू हो जाएगा फोर नाइन थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व में से टू निकाल लीजिए टेन में दोनों कैंसिल हो जाएगा माइनस टू ये सिक्स माइनस फोर माइनस फोर जीरो फोर फिर नाइन ये दोनों को ऐड कीजिए फाइव फाइव माइनस फोर हो जाएगा अब उसके बाद आप यहाँ पर पॉइंट्स कहकर लिखना है एक्स वाई जीरो सब्सिट्यूट करेंगे तो माइनस टू आ गया वन सब्सट्यूट करेंगे तो जीरो आ गया टू सब्सटूट करेंगे तो फोर आ गया थ्री सब्सिट्यूट करेंगे तो टेन आ गया माइनस वन सब्सट्यूट करेंगे तो माइनस टू आ गया माइनस टू सब्सटूट करेंगे तो ज़ीरो आ गया माइनस थ्री सब्स्यूट करेंगे तो फोर आ गया अब इसका ग्राफ रफली बता रहा हूँ मैं इस तरह आप ले लेंगे लाइन इस तरह लाइन ले लेंगे यहाँ पर लिखेंगे एक्स एक्सिस वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री यहाँ पर भी आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तक आप ले लीजिए इसको वाई एक्सिस नाम दे दीजिए अब नीचे भी आप माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन अब यहाँ पर आप क्या करना है स्केल लिखना है स्केल एक्स एक्सिस वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन यूनिटी ले लिया आप लोग वाई एक्सिस भी वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन यूनिट अब यहाँ पर आपको ड्रा करना है देखिए जीरो से माइनस टू ये माइनस टू यहाँ पर आ जाएगा वन से ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा टू से फोर ये टू से फोर यहाँ पर आ जाएगा थ्री से टेन ये थ्री से टेन यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन से माइनस टू ये माइनस वन है एक्स एक्स माइनस वन ये माइनस टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू से ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा माइनस थ्री से फोर ये माइनस थ्री से फोर यहाँ पर आ जाएगा ग्राफ्राफ पर दो जगह यहां पर टच हो रहे हैं लाइंस तो यहां पर वन ये माइनस टू तो यहां पर आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन सेट सल्यूशन सेट एक हो गया वन, एक हो हो गया गया इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो वेरी इजी वे में चलिए एक पेयर ऑफ रही क्वेश्चन का टू एक्स प्लस वाई ये भी ग्राफ सॉल्व करना है आपको देखिए ये भी आपको ग्राफ ही करना है तो क्या लेंगे इसका हम सेवेंटीन में बी बिठ ये टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स टू एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो आपको जीवन है तो ये इक्वेशन तो करेक्ट है टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स इसको चेंज करेंगे टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा अब आपको क्या करना है पहले टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स आपको ले लेंगे तो यहाँ पर हम ले दो वैल्यूस ले लेंगे कोई एक्स और वाई कोई दो वैल्यू जीरो वन टू अब यहाँ पे रफ वर्क कीजिए टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स टू एक्सी प्लस में जीरो रखेंगे प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स जीरो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सिक्स यहाँ पर लिखेंगे सिक्स उसी तरह वन रखेंगे टू एक्सी प्लस में वन प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स टू वन जर टू प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स इस तरफ ला लीजिए माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर यहाँ पर रखेंगे, रखेंगे. E फोर अब नेक्स्ट वैल्यू टू टू इंटू एक्सी प्लस टू प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स टू टू द फोर प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू टू यहाँ पर आ जाएगा वाई इज इक्वल टू टू नेक्स्ट अब एक बॉक्स है आपके पास टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू इसका भी आप बॉक्स यहाँ पर ले, ले लेंगे एक्स और वाई कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं जीरो वन टू कोई भी रख सकते हैं इसके अंदर अभी ले लीजिए टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू टू एक्सी प्लस में जीरो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू ये जीरो हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू ये दोनों कैंसिल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा टू यहाँ पर रखेंगे आप टू टू एक्सी प्लस में वन रखिए वन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू टू अंदर टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू इस तरफ ला लीजिए माइनस टू वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस फोर माइनस माइनस वाई इज इक्वल टू फोर इस तरह यहाँ लिखेंगे आप फोर अब नेक्स्ट जहाँ पर भी एक्स वहाँ पर टू रखेंगे टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू 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 द फोर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू इस तरफ ला लीजिए माइनस फोर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स ये दोनों कैंसिल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा सिक्स इस तरह यहाँ पर लिखेंगे सिक्स अब इसका ग्राफ बहुत आसान है देखिए इस तरह मैं रफली बता रहा हूँ आप ये हो जाएगा एक्स एक्सिस ये हो जाएगा वाई एक्सिस यहाँ पर लेंगे वन टू थ्री फोर यहाँ पर वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इसलिए ले लेंगे। अब पहले देखिए ज़ीरो से सिक्स ए वाई में सिक्स ए माइनस फोर फाइव सिक्स तक ले लेंगे आपको यहीं पे सिक्स उसके बाद ले, ले लेंगे वन से, वन से फोर ए वन से फोर उसके बाद ले लीजिए टू से टू ये टू से टू ये लाइन सीधी आप लाइन ज़्यादातर तक इस तरह खींच दे रहे हैं ज़ीरो से टू ये टू वन से फोर वन से फोर टू से सिक्स टू से सिक्स ये लाइन ऐसे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स ये था 2018 थाउजेंड एटीन यहाँ पर आपको बता रहा हमें और उसी तरह यहाँ पर जून जून 2018 का ही, जून 2018। अब नेक्स्ट करूँगा मार्च 2018 Uh, इसके अंदर फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों रहेंगे uh, क्योंकि ग्रुप ए में फर्स्ट पेपर आएगा ग्रुप बी में सेकेंड पेपर आएगा इस तरह एक एक करते हैं हम आगे बढ़ेंगे तब तक के लिए सॉल्व कर लीजिए ऑल द बेस्ट